नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के पांच सबसे चौंकाने वाले गड्ढों के बारे में, जिन्हें देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। इनमें कई गड्ढे काफी खतरनाक है तो कई रहस्य से भरे हुए हैं, फिर भी लोग अपनी जान को दांव पर लगाकर इन्हें देखने आते हैं। बस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ग्वेटमाला सिटी। साल 2007 में लोगों को कुछ अजीब आवाजें आने लगी, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चल पा रहा था कि ये आवाज आ कहां से रही है। जब कुछ दिन बाद सिटी के बीच में एक बड़ा सा गड्ढा निकल आया, तब जाकर लोग समझ पाए कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही थी। इतने बड़े गड्ढे के अचानक से निकल जाने के कारण इसमें गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोगों के घर खाली करवा दिए गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ये गड्ढा और ना फैल जाए। अब तक लोगों को ये पता नहीं चल पाया कि आखिर ये गड्ढा बना कैसे। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि इस गड्ढे से कोई शैतान बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। डिंस ब्लू होल। वैसे तो इस जगह पर बहुत सारे रहस्यमय गड्ढे हैं, लेकिन ये गड्ढा इनमें काफी बड़ा और गहरा है। ये गड्ढा बामास के एक आइलैंड पर स्थित है। इसके बारे में रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि ये गड्ढा यहाँ पर 15,000 साल से मौजूद है। डाइवर्स का कहना है कि जब वो इसके अंदर जाते हैं तो उन्हें 30 मीटर तक सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, जिसकी वजह इसका साफ पानी हो सकता है। आपको हमेशा यहाँ पर लोग मस्ती करते हुए दिख जाएंगे, जो ऊंचाई से इसके अंदर कूदने से भी नहीं डरते। दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इस जगह पर जाना पसंद करोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिम्माहा सिंक होल। ओनाम में जब इस गड्ढे को खोजा गया तो लोग इसे देखकर चौंक गए, क्योंकि इसका कलर नीला और इसका पानी एकदम साफ था। इसके बाद तो लोगों की भीड़ यहाँ पर रोज पहुँचने लगी। कुछ लोग इस चमत्कार को देखने आते हैं, वहीं कुछ युवा लड़के यहाँ पर एंजॉय करने आ जाते हैं। इसे दुनिया का सबसे सुंदर गड्ढा भी कहा जाता है, जिसकी वजह से इसमें तैरने के लिए दुनिया भर से लोग आ जाते हैं। सारी सारी नामा। ये वेनेजुएला का सबसे रहस्यमय गड्ढा है, जो कि जंगल के बीच में बना हुआ है। इस शानदार गड्ढे के अंदर अपना अलग ही वातावरण है, जिसे आप दुनिया में कहीं और ढूंढ नहीं सकते। इसके अंदर आपको जंगल, झरने और खतरनाक जानवर भी देखने को मिल जाएंगे। वैसे लोग यहाँ पर जाना नहीं चाहते, क्योंकि उनका कहना है कि इसके आसपास के पहाड़ों पर इंसानों को जिंदा खाने वाले लोग रहते हैं और इसके सबसे नजदीक वाली रोड 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या जंगलों में अभी भी ऐसे आदिवासी मौजूद हैं जो लोगों को जिंदा खा जाते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। डोर टू हेल। जब इस जगह को पास ही रहने वाले गांव के लोगों ने खोजा, तब इसमें आग नहीं लगी हुई थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने यहाँ पे मौजूद मीथेन गैस को खत्म करने के लिए इसमें आग लगा दी और फिर ये आग कभी बुझी नहीं पाई। इसके बाद यहाँ पर हर साल 50,000 से ज्यादा लोग इसे देखने आते हैं और उन्हीं लोगों ने इसे नर्क का दरवाजा नाम दे दिया। दोस्तों, क्या आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आऊं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।